स्टूडेंट्स, अपन जो कल का विषय समाप्त हो गया था क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ज़ाइटोफिल, कैरोटीनॉइड्स का, इन सब को छोड़ के अब हम अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं, जिसे कहेंगे हम नेचर ऑफ लाइट एंड इट्स इफेक्ट ऑन फोटोसिंथेसिस, यानी कि लाइट कौन से फॉर्मेट में होती है और वो प्लांट के फोटोसिंथेसिस के रेट को किस तरीके से अफेक्ट करती है, ये चर्चा का विषय रहेगा आज का। क्लियर? अब सोचो, ये नेचर ऑफ लाइट में अगर हम बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानने का थोड़ा प्रयास करें तो लाइट क्या होती है, इट इज द एनर्जी। लाइट होती है एनर्जी। एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, ये इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे एनर्जी के, या हम कहते हैं जो फोर्सेस होते हैं उनके बेसिक चार प्रकार होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें से इन चार फोर्स में से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जिसे हम कहते हैं लाइट। लाइट दो फॉर्मेट में आती है, जिसे कहते हैं हम एक पार्टिकल फॉर्मेट और दूसरा होता है वेव फॉर्मेट। दोनों भी माने जाते हैं, पर वो चर्चा में आगे का विषय रहेगा। इसके लाइट का स्पेक्ट्रम होता है। लाइट का स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम मतलब ए रेंज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। अलग अलग वेवलेंथ की रेंज होती है जिसे कहते हैं हम स्पेक्ट्रम। इसमें नेचर ऑफ लाइट में दो स्पेक्ट्रम रहेंगे, एक होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक होगा एक्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मतलब ये लाइट मॉलिक्यूल द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है, मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन। किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर लाइट इंसिडेंट हो जाती है, गिर जाती है, तो वो मॉलिक्यूल उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसकी एब्जॉर्प्शन की क्षमता। पर बात को ध्यान में रखना है, हर मॉलिक्यूल हर प्रकार की लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। सपोज ये पार्ट रेड दिख रहा है तो ये रेड को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, रेड को छोड़ रहा है, इसलिए तो इसे हम क्या कह रहे हैं, रेड लाइट, रेड कलर। रेड कलर में रेड वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं होगी, ऑरेंज वेवलेंथ यहां एब्जॉर्ब नहीं होगी, यहां ब्लू नहीं होगी। मतलब हर मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन का तरीका अलग अलग होता है। अब एक्शन स्पेक्ट्रा होता है दूसरी बात। एक्शन स्पेक्ट्रा का मतलब होता है ये मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब करने के बाद वो उसका कन्वर्जन कैसे करता है। मतलब अगर कोई चीज, अगर हम खाना खाते हैं तो खाना खाने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग ज्यादा खाना खाते हैं पर एनर्जी कम प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि बहुत सा खाना खा लिया और सो गए तो उसका एक्शन स्पेक्ट्रम कम हो गया। मतलब एब्जॉर्प्शन करने के बाद वो उसका जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है, यानी कि वो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने के बाद कितना ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना लेता है या कितना ऑक्सीजन लिबरेट कर सकता है, उसका पावर, उसे कहेंगे हम एक्शन स्पेक्ट्रम। मतलब वर्किंग कैपेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। कुछ लोग बहुत खाना खा लेते हैं और एनर्जी कम पैदा करते हैं, कुछ लोग कम खाना खाते हैं और ज्यादा एनर्जी पैदा करते हैं, जैसे हमने थायराइड ग्लैंड में देखा था। जिनके पास थायरॉक्सिन कम होता है वो खाना तो खा लेते हैं लेकिन बीएमआर बहुत कम होने की वजह से उनमें एनर्जी प्रोडक्शन कम होता है, और जिनके पास थायरॉक्सिन ज्यादा होता है वो जितना खाना खा लेते हैं उतना सब के सब मॉलिक्यूल का एनर्जी में रूपांतरण करते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मतलब कैपेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल टू एब्जॉर्ब द लाइट, एंड एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ दैट एब्जॉर्ब्ड लाइट इनटू वर्किंग फॉर्मेट और फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर? तो ये हो गए दो प्रकार, एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। यस, अब इससे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे चले तो लाइट में दो प्रकार के बारे में हम डिस्कशन करना चाहेंगे। एक तो क्वालिटी ऑफ लाइट और दूसरा क्वांटिटी ऑफ लाइट। लाइट में
इसकी क्वालिटी भी मायने रखती है और क्वांटिटी भी मायने रखती है। क्वालिटी का मतलब होता है वेवलेंथ और क्वांटिटी का मतलब होता है इंटेंसिटी। वेवलेंथ लाइट की जो होती है वो द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट एंड ट्रफ्ट इज कॉल्ड एज वेवलेंथ, एंड इंटेंसिटी अमाउंट ऑफ लाइट इन ए गिवन स्पेस। हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यस। अगर एक जगह में एक्स अमाउंट आती है और एक जगह में एक्स प्लस टू अमाउंट आती है तो स्पेस दोनों की सेम है, लेकिन इसमें अमाउंट ऑफ लाइट ज्यादा है इसलिए यहां पर इंटेंसिटी लाइट की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एक्स। बात को समझ गया, यहां पर ज्यादा लाइट आ रही है, यहां पर कम लाइट आ रही है, यहां पे आपको चक्का ज्यादा बैठेगा, यहां पे चक्का कम बैठेगा, समझ गए। तो वेवलेंथ क्वालिटी में गिनी जाती है और क्वांटिटी में इंटेंसिटी गिनी जाती है। ये दोनों का भी लाइट का, लाइट के दोनों एस्पेक्ट का भी परिणाम होता है फोटोसिंथेसिस के ऊपर। ओके, ये दोनों चीजें इन्फ्लुएंस करती है फोटोसिंथेसिस को। अगर बहुत ज्यादा इंटेंसिटी है तो भी फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाएगा, और बहुत कम इंटेंसिटी है तो भी फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाएगा, उसको एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में इंटेंसिटी लगती है। और हर वेवलेंथ प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, कुछ रेंज होती है वेवलेंथ की जिसको प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है, बाकी की रेंज को नहीं कर सकता। जैसे प्लांट ग्रीन है, इसका मतलब ये ग्रीन वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, इसलिए तो ये ग्रीन है। अगर ये ग्रीन को एब्जॉर्ब कर लेता तो ग्रीन कलर बाहर नहीं आता, ग्रीन वेवलेंथ बाहर नहीं आती रिफ्लेक्ट होके, और हमें ये ग्रीन नहीं दिखते। ये ग्रीन दिख रहे हैं मतलब ये ग्रीन वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं और बाकी के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। ये किस प्रकार से एब्जॉर्ब करते हैं बाकी के वेवलेंथ को, ये चर्चा का विषय रहेगा। हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा नेचर ऑफ लाइट के ऊपर ध्यान दें तो नेचर लाइट का ड्यूअल होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया। एक होता है पार्टिकल फॉर्मेट और दूसरा होता है वेव फॉर्मेट, या हम पहला वेव फॉर्मेट ले और दूसरा पार्टिकल फॉर्मेट ले, दोनों में से कोई तो भी एक ही चाहिए, पर अब साइंटिफिक कम्युनिटी दोनों को मानती है तो हमें उनके साथ चलना पड़ेगा। वेव फॉर्मेट लाइट का, जिसे हम कहते हैं हाइगन्स प्रिंसिपल वगैरह फिजिक्स में, और पार्टिकल फॉर्मेट जिसके लिए आइंस्टाइन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल मिला। पार्टिकल और वेव फॉर्मेट हम दोनों को भी डिस्कशन में लाएंगे। पहले वेव थ्योरी, अब देखेंगे तो वेव थ्योरी इट इज द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इन ए स्पेस। ये सोर्स ऑफ लाइट है और जिसमें जो एनर्जी लाइट के फॉर्मेट में निकल रही है उसका प्रोपोगेशन हो रहा है। जैसे कि हम कोई कंकड़ को पानी में अगर डाल दें तो वो कंकड़ एनर्जी जनरेट करता है उस पॉइंट के ऊपर जहां पर वो गिरा है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी अप टू इट्स डेस्टिनेशन। जहां तक उसका एनर्जी लेवल है और जहां तक डेस्टिनेशन है वहां तक वो एनर्जी चली जाती है, तो उसे हम कहेंगे प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ये प्रोपोगेशन ऑफ लाइट जो होता है उसे कहेंगे हम वेव फॉर्मेट, राइट? ओके,